हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण टेक्निकल गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जुपिटर नोटबुक के बारे में बताऊँगा। जुपिटर नोटबुक क्या है और इसको हम लोग पाइथन में कैसे करके इस्तेमाल करेंगे, और पाइथन में जैसे हम लोग जुपिटर नोटबुक को यूज़ करके कैसे करके एडवांस जो है कि वर्क करेंगे। तो नोटबुक से आपको पता चल रहा होगा कि जैसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं, सेम टाइप का नोटबुक यहाँ भी वही इस्तेमाल होता है। तो आइए जान लेते हैं जुपिटर नोटबुक होता क्या है। जुपिटर नोटबुक जानने से पहले हम लोग को जुपिटर लैब के बारे में जानना पड़ेगा। जुपिटर नेक्स्ट जनरेशन नोटबुक इंटरफेस जुपिटर लैब इज़ ए वेब बेस्ड इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर जुपिटर नोटबुक कोड एंड डेटा। जुपिटर लैब इज़ फ्लेक्सिबल, कन्फिगर एंड अरेंज द यूज़र इंटरफेस टू सपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ वर्क फ्लोज इन डेटा साइंस। जब हम लोग डेटा साइंस के बारे में पढ़ेंगे और एडवांस पाइथन के बारे में पढ़ेंगे, तो जुपिटर नोटबुक हम लोग को बहुत ज़्यादा ही हेल्प करने वाला है। जैसे मशीन लर्निंग और जो है कि जुपिटर नोटबुक इज एक्सटेंसिबल एंड मॉड्यूलर, राइट प्लग इन एंड एड न्यू कंपोनेंट एंड इंटीग्रेटेड विद द एग्जिस्टिंग वन भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं जुपिटर नोटबुक क्या होता है। द जुपिटर नोटबुक इज एन ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन दैट अलाउ यू टू क्रिएट शेयर डॉक्यूमेंट दैट कॉन्टेंट लाइव कोड इक्वेशन विजुअलाइजिंग एंड नैरेटिव टेक्स्ट। तो नोटबुक, इसमें आपको पता चल रहा है कि ये ओपन सोर्स है, मतलब जैसे हम लोग पाइथन यूज करते हैं, पीएचपी यूज करते हैं, उसी तरह जुपिटर नोटबुक भी एक जो है कि ओपन सोर्स लाइब्रेरी है पाइथन का। तो हम लोग इसको यूज करके कैसे करके काम में लाते हैं, तो इसके बारे में वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को बीच में आप स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप कुछ भी इसमें सीख नहीं पाएंगे। तो आइए हम लोग जान लेते हैं इंस्टॉल कैसे करके करेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस होता है, कुछ कमांड होता है जो कि हम लोग इसमें यूज करेंगे। जैसे पिप इंस्टॉल जुपिटर, ये हम लोग कमांड है जिसका यूज करके हम लोग जो है कि इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टेप में आपको बताया हुआ है। फर्स्ट स्टेप में जो है कि आपको ओपन कमांड प्रॉम्प्ट करना है, देन टाइप करना है पिप इंस्टॉल जुपिटर, पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस जुपिटर, जो कि स्मॉल लेटर में देना है। देन प्रेस इंटर हम लोग कर देंगे। जैसे हम लोग प्रेस इंटर कहते हैं, इसमें आपको जो है कि इंटरनेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही आपका इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, ये ऑटोमेटिकली जो है कि इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और ये कुछ टाइम लगाएगा, फ्यू मिनट। आफ्टर दैट जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा 100%, तो फिर हम लोग उसको क्लोज कर देते हैं। तो इसी तरह से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं कैसे करके कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। जैसा कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आ चुका हूँ, अब जो है कि यहाँ पर हमको कमांड टाइप करना है जिससे कि जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल्ड, पिप स्पेस इंस्टॉल्ड स्पेस जुपिटर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जुपिटर, टाइप कर देते हैं। उससे पहले हम लोग जो है कि जान लेते हैं, यहाँ पर जो है कि आपको जुपिटर जो है कि इंस्टॉल करने से पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। मैं जैसे यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, देखिए ये प्रोसेस होना शुरू हो गया है और ये कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए ये जल्दी से हो गया। अगर आप अपने सिस्टम में करेंगे तो ये टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 to 5 मिनट का टाइम लेगा। तो इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कैसे करके हम लोग इस्तेमाल कैसे करके करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टू ओपन जुपिटर नोटबुक, इसमें भी मैंने आपको जो है कि प्रोसेस बताया हुआ है। जैसे ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, सेकंड में आपको टाइप करना पड़ेगा जुपिटर स्पेस नोटबुक स्मॉल लेटर में, देन प्रेस इंटर करेंगे। ये कुछ टाइम आपको लगाएगा, देन ये ऑटोमेटिकली जो है कि एक ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। और जबकि हमको कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज नहीं करना है, जब तक हम लोग उसमें काम करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को रहने देना है एज यूजुअल। तो चलिए जो है कि हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हम लोग देख लेंगे कैसे करके हम लोग काम करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट में जाएंगे, देन टाइप करेंगे CMD, देन इसको एंटर कर लेते हैं।
कमांड प्रॉम्प्ट में फिर से हम लोग आ चुके हैं। अब मैं जो है कि जुपिटर नोटबुक को ओपन करना चाहता हूं, तो मुझे यहां पर टाइप करना पड़ेगा जुपिटर, देन स्पेस देंगे और नोटबुक टाइप करेंगे स्मॉल लेटर में, देन प्रेस इंटर करेंगे। यहां पर जो है कि आपका कुछ टाइम लगाएगा, ऑटोमेटिकली ब्राउजर में आ चुका है। यहां पर देखिए बहुत सारा आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं देखिए राइट साइड का आप में जो है कि दिख रहा है यहाँ पर न्यू, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और पाइथन 3 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यही अभी लेटेस्ट वर्सन चल रहा है। यहाँ पर जो है कि आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पर चलिए हम लोग कोड करके देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो है कि टाइप करूँगा प्रिंट, और यहाँ डबल कोटेशन के अंदर में मैं अगर लिख देता हूँ मैसेज, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं हेलो पाइथन, और मैं इसको रन करने के लिए देखिए ऊपर में दिख रहा है रन का, तो मैं उसको क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा देखिए यहाँ पर प्रिंट हो चुका है हेलो पाइथन। चलिए हम लोग थोड़ा सा और भी वेरिएबल डिक्लेयर करके देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 10 एंड इंटर करेंगे तो ये नीचे नीचे आते जाएगा। देन बी इज इक्वल टू 20, देन फिर मैं इंटर करूंगा और मैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ले लेता हूँ, देन इंटर करूंगा और मैं प्रिंट कर दूंगा। किसको प्रिंट करूंगा? सी को मैं प्रिंट कर देता हूँ। मैं इंटर करूंगा तो नीचे जाएगा। अभी मैं जो है कि यहाँ कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी मैं ऊपर में देखिए रन का ऑप्शन आएगा, तो मैं यहाँ पर रन पे क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पर जो है कि 30 आ चुका है। आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरा ये सेशन समझ में आया होगा और जो है कि आप जो है कि इसको समझ पाए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में तो आप ज़रूर ही बताएं। अच्छा लगा और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो इसके बारे में भी आप सजेशन भी दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है कि कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।